सबसे बड़ी खबर से, रालोसपा का रविवार को जेडीयू में विलय हो गया। पटना के जेडीयू कार्यालय के कर्पूरी सभागार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू की सदस्यता दिलाई। इस दौरान मौके पर वशिष्ठ नारायण सिंह, शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी, जेडीयू सांसद ललन सिंह सहित पार्टी के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। रालोसपा का जेडीयू में विलय के साथ नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। मिलन समारोह के दौरान संबोधन में नीतीश कुमार ने इस बात की घोषणा की। इतनी बड़ी संख्या में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे विधान परिषद के माननीय सदस्यगण और इस विजय समारोह में और यहाँ इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सब पत्रकार मित्रगण, साहेबान बंधुओं। और पटना स्थित जेडीयू कार्यालय में बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू में विलय को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा का जेडीयू में स्वागत है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कई बड़े नेता जेडीयू में शामिल होने वाले हैं, पार्टी का कुनबा और आगे बढ़ेगा। साथ ही सीएम नीतीश की भी जमकर सराहना की। रालोसपा के जेडीयू में विलय होने के बाद से ही विपक्ष के ओर से बयानबाजी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में एलजेपी प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा पर तंज कसते हुए कहा कि जेडीयू में विलय के बाद से उपेंद्र कुशवाहा ने यह साफ कर दिया कि उन्हें सत्ता की चाह है और जनता के प्रति काम करने का बस वो दिखावा करते हैं। यही नहीं, एलजेपी प्रवक्ता ने नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जनता सब जानती है और वो अपना हिसाब ले लेगी। लोक समता पार्टी का जेडीयू में विलय हो गया है, इसका मतलब उपेंद्र कुशवाहा जी का अध्याय स्वतः समाप्त हो गया। ये वैसे लोग हैं जो सत्ता के बिना नहीं रह सकते, ये सत्ता लोलुप लोग हैं और विकास का ढोंग करते हैं ये लोग। इन लोगों को जनता खुद हिसाब कर देती है। बीते चुनाव में 6 दलों के गठबंधन से ये चुनाव लड़े थे, जनता ने इनको इनकी हैसियत बताई और 1.5% वोट भी नसीब नहीं हुआ। और आज नीतीश कुमार जी तो बहुत ताकतवर अपने आप को महसूस कर रहे होंगे, बहुत खुश हो रहे होंगे। तो हम आग्रह करेंगे नीतीश कुमार जी से कि अगर इतने ही मजबूत हो गए हैं तो आइए। रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू में विलय पर आरजेडी के पूर्व एमएलसी आजाद गांधी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि रालोसपा नहीं बल्कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कुशवाहा को रिजेक्ट मेडिसिन बताया। आज जो RLSP के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी आज स्वयं जेडीयू में जा रहे हैं। उनकी पार्टी नहीं जा रही है, उनकी जो पार्टी के जो लोग थे सब RJD में ज्वाइन कर लिए और जो कुछ बचे हुए लोग हैं वो भी RJD में आने वाले हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी का प्रदेश स्तर पर कोई उनका जनाधार नहीं है। हम तो कहते हैं कि रिजेक्ट मेडिसिन है। उस मेडिसिन की उपयोगिता अगर नीतीश कुमार समझ रहे हैं कि काफी उपयोगी होगा उपेंद्र कुशवाहा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अवनीश जुड़ चुके हैं। अवनीश, पूरा बिहार आज जान रहा है कि विलय हो गया है रालोसपा का जेडीयू में और जो रालोसपा के प्रमुख थे रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने जेडीयू का दामन थाम लिया। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें जेडीयू की सदस्यता दिलाई है। अब इस पर आरजेडी का बयान इस तरीके का आना, पूर्व एमएलसी कह रहे हैं आजाद गांधी कि सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा गए हैं जेडीयू में और बाकी जो ये रालोसपा के लोग हैं वो तो नहीं गए, ये कहां तक सही और सही होकर सामने आ रहा और क्या कुछ और सामने निकल कर इस पर आ रहा है? अवनीश, ऋतिक, जो MLC ही नहीं बल्कि विपक्ष के जितने भी नेता हैं RJD के
तो लगातार जो है उपेंद्र कुशवाहा पे हमलावर है, वो लगातार कहते हुए कह रहे हैं कि बल्कि रालू सपा का नहीं बल्कि उपेंद्र कुशवाहा की वहां पे सदस्यता ली है, उपेंद्र कुशवाहा पार्टी में जेडीयू में शामिल हुए हैं, क्योंकि उनके पास पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कोई नेता ही नहीं बचा था। बल्कि पिछले दिनों जो आरजेडी में 35 नेता रालू सपा के जो जेडीयू में आरजेडी में शामिल हो गए थे, इसको लेकर कहीं ना कहीं वो लगातार विपक्ष है जो हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कोई नेता ही नहीं बचा, इस वजह से विवश हो करके कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा जो है जेडीयू का दामन थाम लिया है। अवनीश, आज ही सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उपेंद्र कुशवाहा ने अपने आवास पर, और उन्होंने कहा था कि जेडीयू में विलय का ही एकमात्र विकल्प बच रहा है, और इधर विपक्ष लगातार हमला कर रहा है, और उनका कहना है कि सत्ता की चाह में ऐसा कदम जो है उपेंद्र कुशवाहा ने उठाया, वो कहां तक सही है? ऋतिक, जो है उपेंद्र कुशवाहा दो दिनों से अपने नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की, और बैठक में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से पहले रालू सपा में जो कार्यकर्ताओं को जितना सम्मान मिल रहा था अब भी मिलेगा, उन्होंने कहा कि अपने बिहार के विकास को देखते हुए वो जो है जेडीयू का दामन थाम रहे हैं, जेडीयू में शामिल हो रहे हैं और जेडीयू अपनी पार्टी का विलय करा रहे हैं। एक आखिरी सवाल अवनीश आपसे, खुद नीतीश कुमार ने वहां पे कहा था मंच से कि उन्हें पार्टी का संसदीय बोर्ड का, राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड का जो है अध्यक्ष बनाया गया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है पार्टी की ओर से, और खुद नीतीश कुमार ने ये बात कही है मंच से, लेकिन अब वहां पर इतने लोग मौजूद थे, रालोसपा के भी इतने लोग वहां पर मौजूद थे, खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी सदस्यता ग्रहण की है जेडीयू की, तो इस पर इस तरीके का बयान विपक्ष का आना कि सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा ने जाकर जेडीयू का दामन थामा है और बाकी जो अन्य लोग हैं रालोसपा के जो नेता कार्यकर्ता है उन्होंने नहीं थामा और आने वाले वक्त में आरजेडी का दामन थामेंगे, ये कहां तक सही होने वाला है? ऋतिक, जो है विपक्ष लगातार हमलावर है, और विपक्ष यहाँ तक भी कह दिया कि जिस तरह से जो उपेंद्र कुशवाहा है रालू सपा को खत्म कर दिया, उसी तरह से आने वाले दिनों में वो जेडीयू का भी जो है मतलब जेडीयू को ही खत्म करेंगे। विपक्ष लगातार इस तरह से कह रहा है, विपक्ष ये कहते हुए नजर आ रहा है कि पहले जो थे उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या विकास हो, लगातार इसको लेकर नीतीश कुमार पे हमलावर रहते थे और हमला बोलते थे, लेकिन वो अब पार्टी को अपने देखते हुए, क्योंकि कोई नेता ही नहीं बचा, इसे देखते हुए वो विवश होकर के कहीं ना कहीं पार्टी जो जेडीयू में शामिल हो गए और जेडीयू का दामन उन्होंने थाम लिया। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवनीश। तो एक बार फिर से बता दें कि आज पटना के जेडीयू कार्यालय में नीतीश कुमार के सामने ही आज उनकी अध्यक्षता में आज रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू का दामन थाम लिया, और इस पर विपक्ष का हमला है। आरजेडी एमएलसी ने, पूर्व जो एमएलसी हैं उन्होंने इस पर हमला बोलते हुए कहा है कि वो एक रिजेक्ट मेडिसिन है। वहीं पटना स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन में भू राजस्व मंत्री राम सूरत राय पर आरोप लगाए, वो सब बेबुनियाद है। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष की ओर से मंत्री राम सूरत राय का चरित्र हनन करने की साजिश रची जा रही है, ऐसे में तेजस्वी यादव को सार्वजनिक तौर से मंत्री से माफी मांगनी चाहिए। माननीय भू राजस्व मंत्री श्री राम सूरत राय पर लगातार अनर्गल बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। हमारा स्पष्ट मानना है कि नेता विपक्ष के द्वारा ये हमारे माननीय मंत्री जी के चरित्र हनन की साजिश